दोस्तों, जीएसटी में अमेंडमेंट आ चुकी है। आप यहाँ सामने देख रहे हैं, सेंट्रल जीएसटी सेकंड अमेंडमेंट, यानी कि सीजीएसटी के जो रूल्स हैं उसमें आए हैं चेंजेस। और ये चेंजेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दो चीज़ों को लेके चेंजेस है जिसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। और आप इसकी डेट देख सकते हैं, 7 मार्च 2018, यानी कि कल ये नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बोला गया है उसको अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप हमारी YouTube फैमिली में शामिल हो जाएंगे। और साथ ही आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी वुमेन इस वीडियो को देख रही हैं उनको मेरी तरफ से एक सैल्यूट। तो ये जो नोटिफिकेशन बात करती है, पहले बात करती है ट्रेंड टू को लेके। अब ये नोटिफिकेशन कहती है कि अगर आपने ट्रेंड टू फाइल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2018 तक फाइल कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आप जानते हैं ट्रेंड टू कब अप्लाई होता है। अगर आप जीएसटी से पहले वाले सिस्टम में काम कर रहे थे, आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आप सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स या एक्साइज में अगर आप काम कर रहे थे, आप रजिस्टर्ड नहीं थे, फिर जीएसटी आ गया और सपोज आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, या फिर अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और आपके पास कुछ पुराना स्टॉक था, पुराना स्टॉक कौन सा, जो जीएसटी से पहले वाले सिस्टम में आपने खरीदा था, अब उसके ऊपर क्योंकि आपने जीएसटी पे किया था, अब अगर वो जीएसटी में आप उस स्टॉक को लेके आएंगे तो फिर उसमें सेल्स करेंगे तो उसमें भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर सेम जो स्टॉक है उसके ऊपर दो बार टैक्स लगेगा। तो बोला ये गया था कि अगर आप पहले वाले सिस्टम का, जो जीएसटी से पहले वाला सिस्टम था, अगर आप उसमें से कुछ स्टॉक लेके आ रहे हैं जीएसटी में, तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपने उसमें एक्साइज ड्यूटी पे करी होगी। अब अगर एक्साइज ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है कि आपने पे करी है, लेकिन आपने पे तो करी है क्योंकि आपके पास स्टॉक है, तो बोला गया कि अगर वो आइटम जीएसटी में, अगर वो आइटम जीएसटी में 18% या उससे ज़्यादा टैक्सेबल होता है, यानी 18% या 28% के रेट से टैक्सेबल होता है, तो उसका आप 60% जो एक्साइज ड्यूटी है उसका आप क्लेम कर पाएंगे ट्रेंड टू में। और अगर 18% से कम वाले में टैक्सेबल होता है, फॉर एग्जांपल 5% में है या 12% में है, तो आप 40% एक्साइज ड्यूटी अपनी क्लेम कर सकते हैं। तो उसकी जो डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2017 तक ही आप क्लेम कर पाएंगे, लेकिन अब भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने क्लेम नहीं किया है, जिनको शायद नॉलेज नहीं थी और उनका लाखों रुपया यहाँ पर फंसा हुआ है, उनको पता भी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या हुआ कि आप जो बड़े बड़े लोग थे, बिजनेसमैन थे, या फिर अगर छोटा व्यापारी भी है जो अपने पास स्टॉक ज़्यादा रखता है, तो क्योंकि अब उसका स्टॉक जीएसटी से पहले वाले सिस्टम से यहाँ वाले सिस्टम में आया और उस व्यापारी को ये पता ही नहीं लगा कि उसके आइटम पे दो बार टैक्स लग चुका है। एक, जब उसने जीएसटी से पहले वाले सिस्टम में सामान खरीदा, क्योंकि उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था तो इसलिए उसको एक्साइज का क्रेडिट तो नहीं मिलता, और उसके बाद जब जीएसटी में सेल कर रहे हैं उसके ऊपर दोबारा से जीएसटी पे कर रहे हैं, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। 31 मार्च 2018 तक आपको ट्रेंड टू फाइल करना होगा। आगे जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट आती है वो आती है ई वे बिल के रूल्स को लेके। जो रूल 138 है उसके अंदर ई वे बिल के रूल्स हैं, पुराने रूल्स के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, तो अब क्योंकि उसमें आ गए हैं चेंजेस और कई सारे नए रूल्स ऐड करे गए हैं, तो उसको आज हम फिर से देख रहे हैं और आज जो प्रॉपर ई वे बिल के रूल्स हैं उसको हम स्टडी करने वाले हैं। अभी बोला गया था पहले कि 1 फरवरी से ई वे बिल एप्लीकेबल हो जाएंगे, 2 दिन 3 दिन के लिए एप्लीकेबल भी हुए, लेकिन ई वे बिल पोर्टल काम ठीक से नहीं करा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अपनी जो डेट थी कंपल्शन की वापस ले ली और बोला गया कि बाद में ई वे बिल एप्लीकेबल होगा। अब क्योंकि ऐसी खबर आई है कि 1 अप्रैल से हो सकता है कि ई वे बिल एप्लीकेबल हो जाए, और क्योंकि अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी आ चुकी है तो पूरे पूरे चांसेस है कि 1 अप्रैल से ई वे बिल आ जाए। अब ई वे बिल में आपको कैसे ई वे बिल बनाना है, आपको ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पोर्टल पे, उसकी वेबसाइट भी अलग है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है जहां पर पूरा एक लाइव डेमो दे रखा है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब रूल्स की बात करते हैं, तो रूल 138 कहता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की मूवमेंट से पहले
आपको ई वे बिल जनरेट करना है और ई वे बिल की वैल्यू अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा की है। अब यहां पर ध्यान दें, 50,000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू और मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट कहाँ हो रही है? चाहे आपकी खुद की स्टेट में हो, अगर आप यूपी में रहते हैं, आप लखनऊ से वाराणसी अगर ले जा रहे हैं सामान, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी स्टेट में जब आप ले जाएं तभी करना पड़ेगा, यानी कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों कवर करा गया है। चाहे आप सप्लाई करें, सेक्शन 7 जो बात करता है, या सप्लाई ना भी हो, उसके अलावा भी कुछ मूवमेंट हो रही है, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। अगर आप इनवर्ड यानी कि परचेस कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अब क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो जो बायर है अगर वो रजिस्टर्ड है तो बायर को जनरेट करना होगा ई वे बिल। ई वे बिल के दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। आप देख चुके हैं वो वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रहा हूँ जो मैंने आपको बताया। तो पार्ट ए में आप फिल करते हैं डिटेल्स की, आप जो मूवमेंट कर रहे हो कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके रीजंस देते हैं कि वो सेल है, परचेज है, या फिर अगर वो आप सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी ब्रांच में, जो भी रीजन हो सकते हैं, और किसे कर रहे हैं, किस डेट को कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स पार्ट ए में जाती है। पार्ट बी में जो डिटेल्स जाती है वो होती है, अगर आपका खुद का व्हीकल है तो आप उसका व्हीकल का नंबर देंगे, क्या नंबर है गाड़ी का। अगर आपका गाड़ी का नंबर आपको है तो आप उसमें डाल देंगे। अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू कर रहे हैं, या तो आपको ट्रांसपोर्टर का जो गाड़ी का नंबर वो पता होना चाहिए, या फिर आपको कई बार नहीं पता होता कि ट्रांसपोर्टर किस गाड़ी या किस ट्रक में ले जाएगा, तो ट्रांसपोर्टर को जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। वो भी आप उसी वीडियो में देख पाएंगे, जिससे कि ट्रांसपोर्टर आईडी जनरेट होगी। और क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन, आप किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू अगर सामान को ले जाएंगे तो आपको उस ट्रांसपोर्टर की ट्रांसपोर्टर आईडी डालनी पड़ेगी। या तो ट्रांसपोर्टर आईडी डाल दीजिए या व्हीकल नंबर डाल दीजिए पार्ट बी में। तो ये रूल्स तो सेम है। अब ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट ट्रांसपोर्टर ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर ट्रांसपोर्टर उसको ऑथराइजेशन मिल जाती है रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने जनरेट नहीं किया ई वे बिल, रजिस्टर्ड पर्सन कहता है कि ट्रांसपोर्टर से भाई तू रजिस्टर कर ले, तो ट्रांसपोर्टर भी रजिस्टर कर सकता है उस रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे। अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर कर सकता है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने, जो बायर है या जो सेलर है, अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया ई वे बिल, अगर उन्होंने ई वे बिल नहीं बनाया, तो ट्रांसपोर्टर बनाएगा पार्ट ए फिल करके। आगे बोला गया कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, या ऐसी अमेजोन है, या कोई कुरियर एजेंसी है, तो वो भी पार्ट ए फिल कर सकती है अगर उसको ऑथराइजेशन मिल जाती है जो सप्लायर है या बायर की तरफ से। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंज है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। बोला गया कि अगर गुड्स प्रोवाइडेड वेयर गुड्स आर सेंट बाय अ प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट एंड जॉब वर्कर लोकेटेड इन एनी अदर स्टेट। अगर जॉब वर्क के ऊपर आपने वीडियो देखी है ना हमारी, उसमें क्या बोला गया कि अगर आप प्रिंसिपल है, यानी कि आप क्या करते हैं, अपना काम किसी और के थ्रू करवाते हैं, जॉब वर्कर के थ्रू कराते हैं, आप अपना सामान उसे देते हैं, सेल करने के लिए नहीं देते, आप अपना सामान देते हैं ताकि उसके ऊपर वो कुछ मैन्युफैक्चर करे, कुछ अपनी एक्टिविटी करे, और फिर उस सामान को वापस ले लेते हैं, बदले में जॉब वर्क अपनी तरफ से एक फीस या एक चार्ज करता है आपसे, जिसको सर्विस माना गया। तो बोला यह गया कि अगर आप सामान देते हैं, अपना सामान किसी जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर आपकी स्टेट में नहीं है, दूसरी स्टेट में, तो उसमें आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ये लैंग्वेज देखिए आप, ई वे बिल शैल बी जनरेटेड, या तो प्रिंसिपल या जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, मैटर नहीं करता कि वैल्यू क्या, यानी कि अगर 50,000 से कम की वैल्यू है तो भी ई वे बिल इस केस में मैंडेटरी होगा जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को सामान देगा। अगर जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में है तो 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर 10,000 का सामान दोगे तो भी ई वे बिल बनाना होगा। आगे बात करते हैं, वेयर हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्ट, अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर ट्रांसफर होते हैं, अब हैंडीक्राफ्ट आइटम एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से, लेकिन तो भी द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द सेड पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, मैटर नहीं करता कि वैल्यू क्या है, चाहे 50,000 से कम की वैल्यू हो तो भी, अगर हैंडीक्राफ्ट आइटम है, अब क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है तो भी ई वे बिल बनाना कंपल्सरी है। हैंडीक्राफ्ट
जो गुड्स हैं उसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं, बोला गया कि दूसरी नोटिफिकेशन उसके अंदर बताया गया, वो नहीं देख रहे हैं अभी। आगे देखते हैं, तो कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स शैल बी वैल्यू डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। और एक बहुत बड़ा डाउट है कि जो वैल्यू है 50,000, अभी 50,000 की वैल्यू क्या सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू है या इसके अंदर टैक्स अमाउंट भी इंक्लूड है? तो बोला गया कि जो ये 50,000 की वैल्यू है ये इनवॉइस वैल्यू, और आप जानते हैं इनवॉइस वैल्यू का मतलब यह है कि उसमें टैक्स अमाउंट भी इंक्लूड है। अगर आप किसी को सामान सेल कर रहे हैं 40,000 का और सपोज उसमें जीएसटी लग जाता है और कुछ सेस भी लग जाता है, तो सब कुछ लगा के जो इनवॉइस वैल्यू है सपोज वो बन जाती है 51,000, तो भी आपको ईवीबिल जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें इनवॉइस वैल्यू देखेंगे और टैक्स अमाउंट इंक्लूड होगी। तो आगे हम देखें, अगर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एज अ कंसाइनर और द रिसिपियंट ऑफ सप्लाई एज अ कंसाइनी, चाहे खुद की गाड़ी में हो चाहे किसी और की गाड़ी में हो, पार्ट भी फिल करना जरूरी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट, अगर अपनी स्टेट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक ही है या 50 किलोमीटर से कम है फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर के, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टर को आप सामान देंगे तो ट्रांसपोर्टर तक सामान ले जाएंगे भी तो सही। अगर ट्रांसपोर्टर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो विद इन 50 किलोमीटर के अंडर आता है तो यहां पर पार्ट बी फिल करना मैंडेटरी नहीं है। या आप देख सकते हैं ना, द सप्लायर और द रिसिपियंट और एज द केस में भी ट्रांसपोर्टर मे नॉट फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी। कन्वेंस मतलब जिस गाड़ी में आप सामान ले जा रहे हैं, तो पार्ट बी यहां पर फिल करना जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी बिजनेस से ट्रांसपोर्टर के बिजनेस तक अगर आप सामान ले जा रहे हैं और वो 50 किलोमीटर के अंदर आता है तो पार्ट बी फिल करना जरूरी नहीं है। अब आप यहां पर एक्सप्लेनेशन वन देखें, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल वेयर द गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रिसिपियंट हु इज रजिस्टर्ड द मूवमेंट शैल बी सेट टू कॉज बाय सच रिसिपियंट। सिंपल सी बात है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर बायर रजिस्टर्ड है, तो हम कहेंगे मूवमेंट कौन कर रहा है? बायर कर रहा है, और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ईवेबिल बनाए। ईवेबिल शैल नॉट बी वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड अनलेस द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी इज फिल्ड। अगर जब तक पार्ट बी फिल नहीं होगा तब तक ईवेबिल कंप्लीट नहीं होगा, तो पार्ट बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ईवे बिल बन जाएगा कॉमन पोर्टल पे तो एक यूनिक ईवे बिल नंबर जनरेट होगा जो सप्लायर को भी दिया जाएगा, जो रिसीपिएंट को भी दिया जाएगा, और ट्रांसपोर्टर के पास भी वो होना चाहिए। आगे आप देखें, तो वेयर द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर द कंसाइनर और द रिसीपिएंट हु हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए शैल अपडेट द डिटेल्स इन पार्ट बी। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी गाड़ी में सामान ले जा रहे हो सकता है कि आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपको सामान दूसरी गाड़ी में फिल करना हो, आप दूसरी गाड़ी में फिल करोगे उसका नंबर भी अलग हो जाएगा, तो उस केस में आपको पार्ट बी जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आगे हम जाएं, तो यहां पर ये कहता है आफ्टर ईवेबिल हैज बीन जनरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द सब रूल वन वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब कई बार क्या होता है कि आपका सामान 10,000 का है, किसी का सामान 20,000 का है, किसी का सामान 5,000 का, ऐसे कर करके जो ट्रांसपोर्टर है एक ट्रक के अंदर बहुत सारे लोगों का सामान ले जा रहा है। अब जब बहुत सारे लोगों का सामान जा रहा है जो टोटल वैल्यू है वो हो गई 50,000 से ज्यादा की, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू सबकी 50,000 से कम है, तो उस केस में होगा क्या, जो ट्रांसपोर्टर है वो कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाएगा। कंसोलिडेटेड ईवे बिल का मतलब अलग अलग ईवे बिल होंगे और एक ही ईवे बिल के अंदर सारे ईवे बिल्स आ जाएंगे, जो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनेगा। वेयर द कंसाइनर और द कंसाइनी हैज नॉट जनरेटेड ईवे बिल इन फॉर्म जीएसटी EWB01 एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स कैरियड इन द कन्वेंस इज मोर देन 50,000 देन ट्रांसपोर्टर विल जनरेट। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने, जो सप्लायर है, उसने ईवे बिल नहीं बनाया तो ट्रांसपोर्टर ये नहीं कह सकता कि सप्लायर ने नहीं बनाया मैं तो ऐसे ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। अगर ट्रांसपोर्टर के पास ईवे बिल नहीं है तो ट्रांसपोर्टर को ईवे बिल बनाना होगा, तभी गुड्स की मूवमेंट हो सकती है। तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है वो डाली गई है ट्रांसपोर्टर के ऊपर। आगे हम बात करें,
प्रोवाइडेड दैट वेयर द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन फर्निस्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर और एन अनरजिस्टर्ड रिसिपियंट ही शैल बी इन्फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली इफ द मोबाइल नंबर और ईमेल इज अवेलेबल। अगर कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, क्योंकि अगर अपने ही स्टेट में है और अपने ही स्टेट में एक प्लेस से दूसरी प्लेस में अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ सप्लायर या रिसिपियंट का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो रजिस्टर कर सकते हैं ई वे बिल पोर्टल पर, ई वे बिल के पर्पस के लिए। वेयर ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड बट गुड्स आर इधर नॉट ट्रांसपोर्टेड, गुड्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुए, ई वे बिल बना दिया, तो विद इन 24 आवर्स वो कैंसिल हो जाएगा। ई वे बिल मे बी कैंसल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, आप कैंसिल उसे कर सकते हो, नया ई वे बिल बना सकते हैं। अगर ई वे बिल जो आपने बनाया और आपके जो गुड्स हैं वो ट्रांजिट में है, मूवमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और वहां पर कोई प्रॉपर ऑफिसर उसको अगर चेक कर लेता है, तो फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब ई वे बिल जो आप बनाएंगे कितने टाइम के लिए वैलिड होगा? अगर 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है जहां की गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो एक दिन, और अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा का है तो हर 100 किलोमीटर के ऊपर एक दिन आपको एडिशनल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं 200 किलोमीटर, तो दो दिन की वैलिडिटी होगी। 250 किलोमीटर तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया तो 3 दिन। तो इस तरीके से हर 100 किलोमीटर पे वैलिडिटी बढ़ जाएगी। अब ये बात कर रहे हैं अप टू 20 किलोमीटर, 1 डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब ओवर डायमेंशनल कार्गो की डेफिनेशन आगे दी है, हम उसको देखेंगे, और हर 20 किलोमीटर के बाद एक दिन इसमें बढ़ जाएगा। आप यहां देखें ओवर डायमेंशनल कार्गो की डेफिनेशन, तो यहां पर बोला गया ओवर डायमेंशनल कार्गो शैल मीन अ कार्गो कैरीड एज अ सिंगल इंडिविजिबल यूनिट विच एक्सीड्स द डायमेंशनल लिमिट। जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में डायमेंशन दी गई है कि एक गाड़ी के अंदर आप इतना सामान ले जा सकते हैं, और वो सिंगल इंडिविजिबल यूनिट है और वो उस लिमिट को एक्सीड कर देता है, यानी कि उस डायमेंशन को एक्सीड कर देता है, तो हम उसे कहेंगे ओवर डायमेंशनल कार्गो। आगे हम देखें वेयर द पर्सन टू हुम द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन सब रूल 11 हैज बीन मेड अवेलेबल डज नॉट कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। अगर आपने ई वे बिल बनाया, और क्योंकि आपने ई वे बिल बनाया तो आप उसके अंदर रिसिपिएंट शो करोगे कि बायर कौन है। अब आपने बायर का जीएसटी नंबर डाला तो बायर के ई वे बिल पोर्टल पर शो करेगा, लेकिन अगर बायर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही रिजेक्ट किया, तो विद इन 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो गया है। तो आप अपना ई वे बिल पोर्टल भी टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि उसमें आपको पता लगेगा, आप ट्रैक कर सकते हैं कौन से ई वे बिल आपने जनरेट किए हैं, कौन से ई वे बिल किसी और ने जनरेट किए हैं, उसमें आपका शो किया है जीएसटी नंबर। तो आगे आप देखें नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, जो एनेक्शर में स्पेसिफाइड है, अभी हम आगे एनेक्शर देख लेंगे। और नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस है, बैलगाड़ी है जो जिसमें मोटर नहीं है, ऐसा कोई अगर व्हीकल है उसके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है। कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहाँ भी जरूरत नहीं है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स विद इन सच एरिया एज आर नोटिफाइड, जो नोटिफाइड हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट है वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड अल्कोहलिक लिकर, लिकर है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, पेट्रोल। अभी क्यों इनके लिए ई वे बिल जरूरी नहीं है? क्योंकि आपको पता है ये नॉन जीएसटी सप्लाई, इनको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। तो अगर कोई अल्कोहलिक लिकर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो ये जो आइटम है नेचुरल गैस है, अगर ये ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो इनके लिए ई वे बिल जरूरी नहीं है। वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स बींग ट्रांसपोर्ट इज ट्रीटेड एज नो सप्लाई अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट, वो अभी हम बाद में देख लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं किन किन केसेस में ज़रूरी नहीं है। कोई डिफेंस का सामान है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसाइनर है कहीं पर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ई वे बिल SMS के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। आपको बार बार, एक बार आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आप चाहें तो आप SMS के थ्रू भी जनरेट कर पाएंगे। अब ये ट्रांसपोर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं और आप अगर ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो एक बार आप रजिस्टर कर लीजिए, फिर SMS के थ्रू जनरेट करिए। इसकी जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कैसे SMS के थ्रू आप जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल नहीं कर पाएंगे, जब ई वे बिल एप्लीकेबल हो जाएगा फिर आप SMS के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, जिसका हमने वीडियो बना रखी है किस तरीके से आपको मैसेज टाइप करना है, किस नंबर पर सेंड करना है, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, ये वो गुड्स हैं जिनके लिए ई वे बिल जरूरी नहीं है, जो इनक्शर की बात करी गई थी। डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरीड,
इनवॉइस होना बहुत जरूरी है, टैक्स इनवॉइस की बात हो रही है। अगर एग्जेम्प्टेड आइटम है तो बिल ऑफ सप्लाई, जैसे हैंडीक्राफ्ट के बारे में बोला गया था। और डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान का मतलब जहां पर आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जा रहे हैं, सप्लाई नहीं हो रही है, आप जॉब वर्कर को सामान दे रहे हैं सप्लाई नहीं हो रही है, तो डिलीवरी चालान इश्यू होगा। और ईवे बिल का, एक जो ईवे बिल जनरेट होगा उसका आप एक कॉपी रखना पड़ेगा, एक पेपर में आप जो ईवे बिल जनरेट किया होगा उसको आप मेंशन करेंगे। ट्रांसपोर्टर की बात हो रही है जो गुड्स को कैरी कर रहा है, या फिर उसके पास एक ईवे बिल नंबर होना चाहिए तो वो आप रख सकते हैं, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। अब ये हम इसके बारे में आगे देखते हैं, इसके बारे में ही बात करी गई है। प्रोवाइडेड एंड नथिंग कंटेंट इन सब, अब यहां पर जो हमने रूल बताया ना, कॉपी ऑफ ईवे बिल इन फिजिकल फॉर्म, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं रेल के जरिए, एरोप्लेन के जरिए, वैसल यानी कि पानी के, पानी में जो जहाज होता है उसके जरिए, तो यहां पर जो ईवे बिल का जो फिजिकल फॉर्म में है वो जरूरी नहीं है, ना ही ईवे बिल नंबर जरूरी है। ईवे बिल जनरेट होगा बट जो रेलवे को कैरी करना जरूरी नहीं है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं, क्लैरिटी आएगी। और रजिस्टर्ड पर्सन में ऑप्टेन एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ठीक है, ये द कमिश्नर नोटिफिकेशन के जरिए बता सकता है कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टर हैं जिनको रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस अपने गाड़ी में लगानी होगी, तो उससे वो ट्रैक कर पाएंगे उन गुड्स की मूवमेंट को। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द कमिश्नर और ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम, वो वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट के लिए भी, कमिश्नर शैल गेट रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस रीडर इंस्टॉल्ड एट प्लेसेस वेयर द वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड। ओके, 138C बात करता है इंस्पेक्शन के बारे में, अ समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। अगर आपका गुड्स का इंस्पेक्शन होता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, तो ऑनलाइन प्रॉपर ऑफिसर उसको फिल करेगा और विद इन 24 आवर्स उसको आपके पोर्टल पर मेंशन हो जाएगा, और फाइनल रिपोर्ट जो होगी विद इन 3 डेज, इंस्पेक्शन के विद इन 3 डेज फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल, अगर आपके व्हीकल को 30 मिनट से ज्यादा डिटेन करा गया है तो GST EWB 04 के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर दे सकता है। और ये आप नीचे देख सकते हैं ईवे बिल के फॉर्म्स हैं। तो आज की यही वीडियो थी जिसके अंदर हमने बात करी ईवे बिल रूल्स और ट्रेंड टू में जो चेंजेस आए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके अगर कुछ सुझाव हैं, आपके कोई क्वेश्चन है, या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आने वाली वीडियोज आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर